हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 बहुपद, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम। विभाजन एल्गोरिदम हम लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा था, तो उसी को हम लोग फिर से रिवाइज करके हम लोग दूसरे एग्जांपल सॉल्व करेंगे यहाँ पे, चैप्टर नंबर 2 सेशन 8। उदाहरण 8, 3x² - x³ - 3x + 5 से विभाजित करें x - 1 - x², इससे हमें इस नंबर को विभाजित करना है। लेकिन इससे पहले अच्छे तरीके से लिख लो। मतलब क्या कि हमेशा पहला बड़ा घात आएगा, उसके बाद छोटा घात, उसके बाद उससे छोटा घात, और उसके बाद कांस्टेंट यानी नंबर। सो पहले इसे ठीक तरीके से लिख लो। 3x² - x³ - 3x + 5 x - 1 - x². सो इसके लिए पहले क्या आएगा, -x³ + 3x² - 3x + 5। इसके लिए क्या आएगा, -x² + x - 1। ठीक है। सो उदाहरण 8 जारी रखे। पहले हम लोगों ने क्या किया था, इसे अच्छी तरीके से लिख लिया था, तो उसके बाद हमें उससे डिवाइड करना है। तो हम लोगों ने इसे पहले जो किया था, यहाँ पे फिर से मैं एक बार लिखती हूँ। यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ और डिवीजन कर रही हूँ। देखो पहले कौन सा नंबर आएगा, -x³ + 3x² - 3x + 5। यहाँ पे -x² + x - 1। सो यहाँ पे -x³ आने के लिए हमें इसे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, x से। x² - x² - x³ x + x + x² - x। चेंज द साइन, -x + -x³ x² x, 3x² - x² 2x² - 2x + 5। नेक्स्ट कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से। लेकिन सेंटर साइन क्या आएगा, माइनस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें +2x² चाहिए। तो यहाँ पे +2x² आने के लिए हमें यहाँ पे माइनस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होके +2x² आएगा। ठीक है। सो -2 × x - 2x + 2। चेंज करे साइन, गेट कैंसल, अगेन कैंसल, 5 - 2 = 3। सो यहाँ पे शेषफल क्या आ रहा है, 3। भागफल, भाज्य और भाजक। ठीक है, ओके। उदाहरण 8 जारी रखे। जो हम लोगों ने सॉल्व किया था वो एक आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये कौन सा फॉर्म है, भाज्य इज इक्वल टू भाजक इनटू भागफल भागफल प्लस शेषफल। ठीक है। So, अभी हम लोगों को ये देखना है कि अगर मैं ये मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए, x - 1 x² - x + 3। पहले इसे ठीक से कर लो, -x² + x - 1। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय x - 2 + 3। x से मल्टीप्लाई करती हूँ पहले, -x³
देन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, बीच सेंटर साइन इज माइनस, सो माइनस टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर, माइनस टू माइनस ए माइनस टू एक्स, माइनस टू माइनस वन प्लस टू एंड हियर प्लस थ्री, सो देन माइनस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, देन माइनस एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स, टू प्लस थ्री फाइव। देखिए हाँ, यहाँ पे सीक्वेंस अलग है, इसे हम लोग अगर ऐसे लिखेंगे तो देखिए कैसे होगा, प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव। अब देखिए दोनों भी राइट आ रहे हैं, हाँ तो मतलब ये जो हम लोगों ने आंसर लाया है या फिर भागफल, ये राइट है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नाइन, टू एक्स फोर माइनस थ्री क्यूब माइनस एक्स थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस टू के सभी शून्य ज्ञात करें यदि आप जानते हैं कि इसके दो शून्य रूट टू और माइनस रूट टू है। तो ये जो उदाहरण दिया ये बहुत अलग है, यहाँ पे उन्होंने दो शून्य दिए हैं और हम लोगों को बाकी के शून्य निकालने हैं। यहाँ पे हम लोगों को भाज्य दिया है लेकिन भाजक दिया गया नहीं है, तो हम लोगों को पहले भाजक ढूंढना है। तो पहले हम लोग भाजक कैसे ढूंढेंगे, शून्य दिए है यानी क्या है, ये x इज इक्वल टू रूट टू एंड x इज इक्वल टू माइनस रूट टू, सो इसे इक्वेशन फॉर्म करें, x माइनस रूट टू एंड x प्लस रूट टू, सो ये शून्य है यानी अगर हमें इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन मिलेगा। सो मतलब यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, a माइनस बी ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो यहाँ पे सेम फॉर्मूला हम अगर अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू, सो ये क्या हो गया, भाजक। तो अभी हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस नंबर से यानी भाजक से भाज्य को डिवाइड करना है। सो उदाहरण नाइन जारी रखें, दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। अभी ये कैसे आया, जैसे कि मैंने इसे पहले सॉल्व किया था कि हमें दो शून्य दिए गए थे तो दो शून्य को यूज करके हम लोगों ने पहले भाजक निकाला, तो हम लोग पहले इसे डिवाइड करके देखते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। सो भाजक क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टू, हमें किससे डिवाइड करना है, टू एक्स रेस टू फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस टू, टू एक्स फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब माइनस एक्स थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस टू। सो ये सारे के सारे जो लिखे हैं हम लोगों ने वो बड़ी घात, उससे छोटी घात, उससे छोटी घात, उससे छोटी घात और कांस्टेंट। सो मतलब जो दिया गया सीक्वेंस है वो राइट है। सो अभी हमें इसे डिवाइड करना है। सो डिवाइड करने के लिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है, एक्स एस टू फोर है, मतलब हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, टू एक्स स्क्वायर, सो टू एक्स रेस टू फोर देन माइनस टू एक्स स्क्वायर, तो फिर मैं माइनस टू एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखूंगी, यहाँ पे जहां पे स्क्वायर है उसी के नीचे हम लोगों को लिखना है, सो टू इंटू टू फोर एक्स स्क्वायर, फोर एक्स स्क्वायर साइन माइनस, सो यहाँ पे हम लोग जीरो एक्स क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, सो साइन चेंज करें, सो माइनस थ्री एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस टू। अभी नेक्स्ट नंबर
3x क्यूब, तो हमें यहां पे क्या लाना है, 3x क्यूब, लेकिन क्या लाना है, माइनस। सो क्या लेंगे हम लोग, माइनस 3x, माइनस 3x क्यूब, माइनस माइनस प्लस, लेकिन x कहां पे है, यहां पे, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे माइनस माइनस प्लस, 3 × 2 = 6x, ठीक है, साइन चेंज करें, सो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा, x² - 2, ठीक है, सो x² - 2, यानी अगर मैं इसे सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो आ जाएगा x² - 2, साइन चेंज करने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा, सो शेषफल 0। भागफल, भाजक, भाज्य, ठीक है। सो अभी यही सेम ऊपर वाले इक्वेशन में देखो, जहां पे मैंने लिखा है x² - 2 और हमारा भागफल 2x² सी 2x² माइनस 3x + 1, सो मतलब हम लोगों ने जो किया है वो राइट है। सो यहां तक समझ में आया, ओके ओके। उदाहरण 9 जारी रखे, सो यहां पे मैंने फिर से वही इक्वेशन लिखा है, तो वो मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हम लोगों को अभी ये प्रूव करना है कि ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये मिल रहा है, सो मल्टीप्लाई करते हैं। पहले मैं इसे ठीक से लिखती हूँ, x² - 2 × 2x² - 3x + 1, अभी मल्टीप्लाई करें, x² - 3x³ + x², अभी -2 से -4x² माइनस माइनस प्लस, 3 × 2 = 6x माइनस 2, यहां पे सेम घात है, सो 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस माइनस प्लस, बट प्लस माइनस माइनस, सो -4x² + x² - 3x² + 6x - 2, देखिए -2x⁴ - 3x³ - 3x² + 6x - 2, यानी हम लोगों ने जो सॉल्व किया वो राइट है। तो हम लोग ये करके देख चेक कर सकते हैं कि हम लोगों का आंसर राइट है या रॉन्ग है, इसीलिए हम लोग ये मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि आंसर राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। उदाहरण 9 जारी रखें, यहाँ पे मैंने फिर से वही लिखा है, ये क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि हमें अभी हम लोगों को शून्य ज्ञात करना है, सो x² - 2 इसे 2x² - 3x + 1, यहाँ पे देखिए -3x एडिशन और सब्सट्रैक्शन और प्लस 2 मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, सो 2 × 2 = 2x - 2x - x = 3x, मतलब क्या आना चाहिए यहाँ पे, 2x² - 2x - x + 1, 2x (x - 1) - 1 (x - 1), सो x - 1 (2x - 1) (x² - 2), सो अगर मैं इसे फिर से स्प्लिट करूंगी तो क्या हो जाएगा, x - √2 (x + √2), यहां पे x - 1 (2x - 1),
सो यहाँ पे हमारे चार शून्य क्या हुए, x इज इक्वल टू रूट टू, x इज इक्वल टू माइनस रूट टू, x इज इक्वल टू वन, x इज इक्वल टू वन अपॉन टू. ठीक है, माइनस रूट टू प्लस रूट टू, वन वन अपॉन टू. ओके, सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा कि हमें डिवाइड करके भाज्य भाजक और भागफल और शेषफल लाके उसे समीकरण कैसे बनाना है, और उसके बाद वो समीकरण सॉल्व करके कैसे प्रूफ करना कि जो हमारा आंसर है वो राइट है. और हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर दो शून्य दिए गए हैं तो बचे हुए चार शून्य कैसे निकाले. थैंक यू.